हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञिया क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है साइंस से। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में से मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो बच्चे क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, और ये उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं जिसके अंदर विज्ञान विषय आता है, जैसे कि रेलवे की परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, ग्रुप डी NTPC, उसमें भी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन असत्य है इस रिएक्शन के लिए। अब मैं रिएक्शन पढ़ता हूँ। 2PbO प्लस सी गिव्स रेज टू 2Pb प्लस CO2। ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऑप्शन 2, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन 3, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन 4, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आपके उत्तर हैं 1 एंड 3। एक है 1 एंड 2, थर्ड वन है 1, 2 एंड 3, या तो डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आपका सही आंसर जो है वो है इन दिस रिएक्शन लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। दोनों ही इसमें कम हो रहा है, लेड भी कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा नंबर ए। ओके, चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स रेज टू Al2O3 प्लस 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। जो ऊपर अभी हमने रिएक्शन देखा है वो किस प्रकार का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका जो आंसर है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फ्लिंक्स। टिक द करेक्ट आंसर। क्या होता है जब आयरन फ्लिंक्स में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन 2, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन 3, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ऑप्शन 3, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द रिएक्शन 2FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स रेज टू 2FeCl3 क्लोरीन इज अ। इस रिएक्शन में क्लोरीन क्या काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी कैटलिस्ट, या डी इनर्ट मीडियम। तो आपका जो आंसर है इसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय। रेंसिडिटी किसके द्वारा बचाई जा सकती है इन खानों में, मतलब इन खानों में रेंसिडिटी ना हो, देखते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के खानों में। ऑप्शन ए, मिक्सिंग एंटीऑक्सीडेंट। बी, कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। नंबर सी, कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट। डी ऑल ऑफ दीस। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ दीस। ये सभी तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी बचाई जा सकती है किसी भी खाने में होने से। आप एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं, खाने को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, या उसे लाइट के संपर्क से दूर रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Which among the following is not an oxidizing agent? इनमें से कौन सा oxidizing agent नहीं है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, concentrated सल्फ्यूरिक एसिड।
ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आपका आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। नंबर 7 देखें, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज टू कीप द ऑयली फूड आइटम्स फ्रेश। इनमें से कौन से गैस हैं जो ऑयली फूड को फ्रेश रखते हैं। ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड हीलियम, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन एंड हीलियम। नाइट्रोजन और हीलियम जो गैसेस होती हैं उसको मिला देते हैं जब हम ऑयली फूड आइटम्स से, तो वो फ्रेश रहते हैं। चले बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। केमिकली रस्ट इज अ, रस्ट क्या है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपका जो आंसर है वो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसके अंतर्गत ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है सेल्स में और क्या देता है, हमको एनर्जी देता है। उस रिएक्शन का क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं एक्चुअली। तो ऑप्शन है आपके ए रेस्पिरेशन, बी डाइजेशन, सी एक्सक्रीशन, डी नन ऑफ दीज। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का क्या फार्मूला है। यहाँ पे एक्चुअली तीसरा ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं, लेकिन हाँ इन्हीं ऑप्शंस में से उत्तर है ए Pb2SO4, बी Pb SO4 2, या ऑप्शन नंबर है एक और डी Pb SO4। तो जो आपका लेड सल्फेट है वो है Pb SO4, ठीक है Pb SO4। चलिए अब अपन देख लेते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, डैश कलर्ड पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में जलाते हैं, हवा के संपर्क में जलाते हैं, तो किस प्रकार का पाउडर मिलता है आखिरी में। तो आपका जो आंसर है वो होगा वाइट कलर का पाउडर मिलता है। तो अपना नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वाइट, WHITE, वाइट। ओके ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द रिएक्शन ऑफ H2 and O2 इज अ डैश रिएक्शन। जो रिएक्शन होता है H2 और O2 के बीच में और पानी बनता है, उस रिएक्शन का क्या नाम है। तो वो रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, COMBINATION। ओके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो। ऑप्शन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक ऑन कीपिंग इन ओपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जो भी चीज़ें चांदी से बनी होती हैं वो ब्लैक होने लगती हैं जब हम उसे खुले में, मतलब उसका यूज़ करते हैं, जैसे औरतें पायलों को पाँव में पहनती हैं तो वो कुछ दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी काली पड़ने लगती है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होने लगती है। आपका आंसर होगा 3 का SILVER, सिल्वर सल्फाइड। ओके अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम। सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर की बॉटल्स में, मतलब थोड़ी गहरे रंग की बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, तो इसे ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका कारण ये है कि इसे सनलाइट से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका आंसर होगा सनलाइट। ओके इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सनलाइट। अब अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ऑयली एंड फैटी आइटम्स बिकम रेंसिड ड्यू टू।
ऑयली और जो फैटी फूड आइटम्स होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं किसके कारण? वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ हो जाता है ऑक्सीडेशन, OXIDATION, ऑक्सीडेशन। ओके, अब देखते हैं अपने नंबर क्वेश्चन नंबर 6। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट निकलती है जब भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। वो रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए अब अगले क्वेश्चंस जो हमें हमारे वो हैं मैच द कॉलम के रूप में, जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। नंबर 1 है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है जरा हम देखें। रेस्पायरेशन है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट गिवन आउट होती है और वही चीज़ रेस्पायरेशन में भी होती है, तो हम मिला देंगे रेस्पायरेशन को किससे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ई। सेकंड, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है आपका क्विक लाइम, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम मिला देंगे सी से। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताया ही था आपको कि जलने के बाद वो कैसा बन जाता है, एयर में वाइट पाउडर बन जाता है जब हवा के साथ जलाया जाता है उसको, तो आपका हो जाएगा वाइट पाउडर। नंबर 4, मार्बल। मार्बल क्या है? जो अपना ये संगमरमर रहता है ये एक्चुअली है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे मिलाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए से। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट गिवन आउट होती है मतलब बाहर निकलती, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, मतलब हीट को सोख लिया जाता है उस रिएक्शन के द्वारा, उसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप मिलाएंगे इसे ऑप्शन नंबर डी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। आंसर इन वन वर्ड। अब वन वर्ड के आंसर हैं या वन सेंटेंस में देना है। नंबर 1, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। वो कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट निकलती है, जो पहले भी बता दिया गया है, इसका आंसर है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 पर आते हैं, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एलिमेंट इन अ रिएक्शन कॉल्ड। जब भी कोई रिएक्शन होता है और जो एलिमेंट्स के बीच में होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। नंबर 3, नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज रिड्यूस्ड। उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताओ जिसके अंदर एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा रिड्यूस्ड हो जाता है, तो यह है आंसर इसका रेडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द रिएक्टेंट्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं उनके बीच में क्या एक्सचेंज्ड होता है, तो उनके बीच में आयंस एक्सचेंज्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द सिंबल, ये जो एरो का चिन्ह बना है उसके बारे में पूछ रहा है, रिप्रेजेंट। ये जो डाउनवर्ड बना हुआ है एरो का चिन्ह, आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी रिएक्शन होता है उसके अंदर अगर ये डाउनवर्ड वाला चिन्ह बनाया गया है तो ये क्या दर्शाता है? ये डाउन वाला चिन्ह दर्शाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स। जो ऑयली और फैटी फूड आइटम्स होते हैं उसके अंदर उसका चेंज मतलब उसका टेस्ट बदल जाता है और उसकी स्मेल बदल जाती है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है जब भी वो फूड आइटम रेंसिड हो जाता है, मतलब यही मान के चलो कि वो सड़ जाता है, वो क्या है हवा के संपर्क में आ जाता है, उसके साथ ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो आपका आंसर होगा बिकमिंग रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। वो रेंसिड हो जाते हैं वो फूड आइटम ऑक्सीडेशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आइटम्स डू नॉट करोड। सिल्वर और गोल्ड आइटम्स क्यों नहीं करोड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई परत वरत क्यों नहीं चढ़ती, जैसे कि अभी अपन मतलब वो जल्दी नहीं होता है दूसरे मेटल्स के मुकाबले,
तो इसका आंसर ये है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव, जो सिल्वर और गोल्ड मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसीलिए वो कोरोड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो भाई इस वीडियोस को शेयर करो स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके क्लास टेंथ के लिए। और ये ऑल्सो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, वो सारी प्रतियोगिताएँ परीक्षाएँ जिनके अंदर विज्ञान विषय पूछा जाता है। तो मैं टॉपिक बाइज टॉपिक लेता चलूँगा, तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।